भारतीय फोर्सेस की जानिब से सीज फायर मुहिदे की मुसलसल खिलाफ वर्जी। पाकिस्तानी DGMOs का हॉटलाइन पर भारतीय हममनसब से राबता, मुस्तकबिल में जारहियत का मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। पाकिस्तानी DGMO का दो टोक पैगाम। सीज फायर की मुसलसल खिलाफ वर्जी और 6 शहरियों की शहादत पर भारतीय हाई कमिश्नर गौतम बम्बा वाले की दफ्तरी खारजा तलबी और एहतजाज। कोर कमांडर गुजरावाला और DG रेंजर पंजाब का वर्किंग बाउंड्री का दौरा। मकबूजा कश्मीर में भारत के जंगी जराइम की आलमी तहकीकात कराई जाए, वजीर आजम का अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा। कहा, अफगान जंग पाक सरजमीन पर नहीं लड़ने देंगे। नवाज शरीफ की पार्टी सदारत की राह हमवार, इलेक्शन इस्लाहात तरमीमी बिल सेनेट में कसरत राय से मंजूर। अदालती नाअहल शख्स भी अब पार्टी सदर बन सकेगा। मुशर्रफ में हिम्मत है तो पाकिस्तान आकर अदालतों का सामना करे। नून लीग हुकूमत कर सकती है न संभाल सकती है। साबिक सदर आसिफ जरदारी की कमालिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस। अवामी तहरीक का लाहौर में सिविल सेक्रेटेरिएट के बाहर धरना खत्म। खुर्रम नवाज कंडापुर का सानहे मॉडल टाउन कमीशन की रिपोर्ट पब्लिक न करने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त कल दायर करने का ऐलान। नैब ने साबिक सदर नेशनल बैंक अली रजा समेत 7 अफराद को कमरा अदालत से हिरासत में ले लिया। नेशनल बैंक बांग्लादेश ब्रांच में 18 अरब रुपए की करप्शन का इल्जाम। नवाज शरीफ हाजिर हो, नैब रेफरेंसेज में एहतसाब। अदालत की तरफ से जारी करदा नोटिस, जाति उम्रा में नवाज शरीफ के रहाइश के बाहर चस्पा। नवाब खैरबख्श मरी के साहबजादे गजीन मरी 18 साल खुद साख्ता जलावतनी के बाद कोयटा आमद के साथ ही दंड लिए गए। 4 दीगर अफराद को भी हिरासत में ले लिया।